हेलो वेलकम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज हैंडलूम पर एक बार फिर से। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे सभी प्रकार की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, जैसे कि आपको बताने वाले हैं कि कैसे यूपी सीएम ने लवजिहाद को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस प्रकार से अपनी भड़ास निकाली है कमलनाथ के बयान पर, और इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से कंगना रनौत भड़की हैं अपने ट्विटर हैंडल से। जिस प्रकार से आपको पता है कि आए दिन कंगना रनौत कैसे भड़कती रहती हैं, अपनी जो है बात प्रस्तुत करती रहती हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कैसे आपकी जेब पर पड़ने वाला है 1 नवंबर से खासा फर्क, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि किस प्रकार से रेलवे ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो रेलवे अब इन्वॉल्व करने जा रहा है किसानों को। जी हाँ, रेलवे अब बहुत बड़ी भर्ती देने जा रहा है किसानों को, ये भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। वही हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सीएम ने सी प्लान का उद्घाटन भी किया है। वही आपको बताएंगे कि दिल्ली के लोगों को बस यात्रियों को सुविधा देने जा रही है केजरीवाल सरकार। जी हाँ, बसों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन आपको बताएंगे बुलेटिन के अंदर, आपको हमारे साथ बने रहना है। वहीं दिल्ली में मेहमानों को लेकर के, जो शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ गई है, इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की शादियों में ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को अब आप शादी में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उन्हें खिला पिला सकते हैं, इसको लेकर के काफी बड़ी खबरें आ रही हैं। तमाम बड़ी खबरों के साथ चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव से कमलनाथ के बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले हाँ मैं कुत्ता हूँ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है और बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बीच यह बदजुबानी जारी है। शनिवार को बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीनियर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कुत्ता कहने का आरोप लगाया और कहा कि वह हाँ मैं कुत्ता हूँ जो हमेशा अपने मालिकों के लिए वफादार रहता हूँ। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन रहे खासे व्यस्त। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक बार फिर केवड़िया को लेकर अपना विजन बताया, जिससे यहाँ ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर से सैलानी आए और स्थानीय लोगों की जिंदगी भी बदल गई है। वैसे तो पीएम मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे खासे व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका अक्टूबर 30 से 31 तक का दौरा इतना व्यस्त रहा कि अक्टूबर 30 को दिल्ली में सुबह 5 बजे उठने के बाद उन्हें वापस आराम करने का मौका 31 अक्टूबर को रात 1 बजे मिला। जी हां, गुजरात दौरे के पहले दिन ही पीएम मोदी के एक के बाद एक कार्यक्रम लगे रहे और पीएम ने भी बिना रुके और बिना थके सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से मिलते जुलते रहे। ये इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना के निशाने पर गांधी और नेहरू, एक्ट्रेस बोली सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं क्योंकि गांधी जी नेहरू जैसा कमजोर दिमाग चाहते थे। जी हां, आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर कंगना रनौत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने सरदार पटेल के समझौतों के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही पटेल द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद से समझौते पर खेद भी जताया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ का बयान, लव जिहाद चलाने वाले नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। जौनपुर में चुनावी रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकेगी और एक प्रभावी कानून बनाएगी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शनिवार को एक चुनावी सभा में लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग शुद्ध देश में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी यूपी के जौनपुर में उपचुनाव को लेकर आयोजित रैली में ये बात बोली है। तो बड़ी खबर, पीएम का पुराना वीडियो शेयर कर बोले तेजस्वी यादव 5 साल पहले प्रधानमंत्री गिना रहे थे नीतीश सरकार के घोटाले। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के पुराने मतलब पिछले चुनाव के दौरान वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों का वीडियो जारी किया। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनके पुराने मतलब पिछले चुनाव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों के वीडियो को जारी कर रहे हैं। कुछ देर पहले भी आरजेडी नेता तेजस्वी ने पीएम मोदी के भाषण का एक वीडियो जारी किया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं।
तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके इस भाषण के बाद भी कई घोटाले सामने आए, जैसे सृजन घोटाला, धान घोटाला। इस बीच शुक्रवार को पटना में आयकर विभाग की छापेमारी में ऐसे कई व्यापारियों के यहाँ नकदी और अहम कागजात मिले हैं जो सरकारी जल नल योजना में काम करते हैं। इससे विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। जी हाँ, इस प्रकार से खबरें आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, कई सेपरेट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अब पूरे देश में इंडियन गैस की बुकिंग के लिए एक ही नंबर होगा, लेकिन फिर से आपको दोहरा दें कि हिमाचल प्रदेश में अब इंडियन गैस उपभोक्ताओं को अपनी गैस का सिलेंडर बुक करवाने के लिए एक ही नंबर जारी होगा। दूसरे राज्यों में आने पर भी उपभोक्ता आसानी से अपने गैस सिलेंडर को रिफिल करवा सकेंगे और इंडियन गैस यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू कर देगा, यानी कि आज से। और जानकारी के मुताबिक पता चला है कि इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में अब एक ही इंडियन एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए कॉमन नंबर की शुरुआत की है। जी हाँ, नंबर कई बार मैंने बताया है कई वीडियोस में, लेकिन फिर से 7718955555 पर 24 घंटे बुकिंग सेवा उपलब्ध है। इस प्रकार से तो ये थी कुछ सिलेंडर को लेकर के खबरें। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुरू की भारत की पहली सी प्लेन सेवा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत की, जो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। बेहद अच्छी खबर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में चुनावी सभा के दौरान एक और मंच टूटा। इस बार पप्पू यादव नीचे गिर गए। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दलों की रैलियों में समर्थकों और नेताओं की भीड़ के चलते शनिवार को एक और नेता का मंच गिर गया। इस बार यह हादसा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता राजेश चंदन और पप्पू यादव की जनसभा में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव समेत कई नेताओं को इस हादसे में चोट भी आई है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, बैंक ग्राहक के लिए है अच्छी खबर। नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। छुट्टियों की लिस्ट इस प्रकार। वैसे तो बैंक महीने के हर रविवार और दूसरे शनिवार को बंद रहते हैं, उसके अलावा भी नवंबर माह में कई त्योहारों के चलते देश के अलग अलग इलाके में बंद रहेंगे। फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर के महीने में दिवाली, छठ पूजा समेत कई त्योहारों की वजह से देश के अलग अलग इलाके में बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, 1 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 8 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी। 14 नवंबर अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, काली पूजा। 15 नवंबर रविवार के होते राज्यों में बैंकों की छुट्टी। 16 नवंबर दिवाली, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, न्यू ईयर डे एवं 20 नवंबर को छठ पूजा। 21 नवंबर छठ पूजा, बिहार राजधानी। 22 नवंबर रविवार होने के चलते। 28 नवंबर चौथा शनिवार होने की वजह से सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 29 नवंबर सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी। 30 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, उपरोक्त सूची के हिसाब से। तो इस प्रकार से आपने देखा, 16 नवंबर के दिन अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, गंगटोक, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर में बैंक बंद रहेंगे, जबकि 30 नवंबर के दिन आइजवाल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी कि किस राज्य में और किस दिन बैंक बंद रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगली बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से लेटेस्ट व फटाफट इंफॉर्मेशन लेके हम आपके पास आते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर देना व लाइक कर देना, शेयर कर देना। अच्छा, सब्सक्राइब करते समय आपसे एक और अनुरोध है कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले पाएं। तो चलिए बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। दिल्ली के लाखों बस यात्रियों का सफर हुआ और आसान। केजरीवाल सरकार ने दी है ये बड़ी रियायत। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। लॉकडाउन के बाद से चल रही पाबंदियों में से एक और पाबंदी सरकार ने हटा दी है। दिल्ली में बसों से चलने वाली सभी यात्रियों के लिए सुविधा बड़ी राहत लेकर आई है। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि रविवार से यात्री बस में सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल एक सीट खाली छोड़ने का प्रावधान था, जिसके कारण बसों में पूरी क्षमता के साथ यात्री नहीं बैठ रहे थे और इसके कारण लोगों को काफी देर देर तक बसों का इंतजार भी करना पड़ रहा था।
तो ये तो काफी अच्छी खबर है ना कि अभी बस में सभी सीटों पर यात्रीगण बैठ सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी के बाद अब कांग्रेस का बड़ा वादा, सरकार बनी तो बिहार में ओपन स्क्रूटमेंट सिस्टम, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ओपन स्क्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत लोक सेवा आयोग की बजाय डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट डिग्री की वैधता की जांच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व में हरियाणा में यह सिस्टम ला चुकी है। तो इस प्रकार से देखा आपने, इतने ज्यादा बड़े बड़े जो है वादे किए जा रहे जनता से, अब पता नहीं कितना सच होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो चुनाव में किसकी जीत होती है और कौन हारता है, ये तो ये वादे तभी ही तय हो पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छा, बात कर लें कोरोना अपडेट्स की। भारत में पिछले 24 घंटों में 48,268 नए मामले, रिकवरी रेट बढ़ी, तेजी से घट रहे हैं सक्रिय मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,268 नए मामले सामने आए और इस दौरान 551 लोगों की कोविड 19 के कारण मौत भी हुई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सबको पता है, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से भारत में 50,000 से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस दौरान रिकवरी दर बढ़ी है और सक्रिय मामलों में गिरावट आ रही है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जितना हो सके सतर्कता बरतें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, भाजपा के लिए देश ही पूरा परिवार, सपा बसपा और कांग्रेस के लिए परिवार ही उनका देश, सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 9 जो है जौनपुर में मल्हनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सिकरारा बाजार से सटे ताहिरपुर बाग में जनसभा को संबोधित की। सीएम योगी का बयान, भाजपा के लिए देश ही पूरा परिवार और सपा बसपा और कांग्रेस के लिए परिवार ही उनका देश, सीएम योगी ने बताया। जी, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते कहा कि हमारे लिए हमारा देश ही पूरा परिवार है, लेकिन कांग्रेस सपा और बसपा के लिए उनका परिवार उनका देश है, इससे आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। इस प्रकार से उन्होंने, आप ट्वीट देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, शादी समारोह के लिए मेहमानों की संख्या में दिल्ली सरकार ने दी बड़ी छूट, कारोबारियों को मिली राहत। दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी बंद जगह पर समारोह होता है तो उस बंद जगह की जो क्षमता है उसके 50% लोग शामिल हो सकेंगे। तो बड़ी खबर, दिवाली पर थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन शादी समारोह को लेकर बाजार में सन्नाटा था। सरकार ने सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने इस शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को बढ़ा दिया है। काफी अच्छी जो है खबर आई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन मुद्दे पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस को जवाब, मैं खुलासा कर दूं तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज कुछ राजनीतिक पार्टियों की नेताओं के द्वारा कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे मत भिड़े। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के द्वारा हमारे सेना के जवानों के सारे और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन अगर 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ले, खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 नवंबर से आपकी जिंदगी से जुड़े कई जो है नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जैसे कि आप लोगों को कई वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन रिपीट कर रही हूं, पहला एलपीजी डिलीवरी का बदलेगा नियम, जो कि ओटीपी जारी हो चुकी है। दूसरा, इंडियन गैस का जो नया नंबर लॉन्च हो चुका है। तीसरा, गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और जो है घट भी सकता है। ट्रेनों का जो बदलेगा टाइम टेबल, और SBI बचत खातों पर कम ब्याज भी मिलेगा। यह खबर आपको बता दें कि 1 नवंबर से SBI के कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। SBI के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। अब 1 नवंबर से जिन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए तक की राशि जमा है, उस पर ब्याज की दर 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1,00,000 रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से देखा आपने
इतने सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जेब पे पड़ने वाला है। ये जरूरी है सभी खबरें आपके लिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बीच से मत छोड़िए वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खबरें जो है आपको तभी समझ में आएंगी जब आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। रेलवे को लेकर बड़ा कदम, इंजन और कोच निर्माण में एमएसएमई का लेगा सहयोग। केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रेनों के इंजन और डिब्बों के निर्माण में सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों को आपूर्तिकर्ता बनने की अपील की। जी हां, आपको बता दें कि देश के एमएसएमई से कहा है कि वे रेल की संपत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए भी आगे आए। भारतीय रेलवे ने ऐलान किया है कि वह इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों से सालाना 70,000 करोड़ रुपए के मूल्य का सामानों की खरीद करेगा। इस प्रकार से बड़ी खबर, काफी आत्मनिर्भर होगा भारत और किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी पूरी सूची वेबसाइट www.irepes.government.in और www.gem.government.in पर उपलब्ध कराई गई है। अब आपको बता दें कि इन्हीं वेबसाइटों पर घरेलू उद्यमियों और पंजीकरण भी करा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स के नोडल अधिकारियों से भी संपर्क साधा किया जा सकता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज व रायबरेली डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में एक एक नोडल अधिकारी तैनात होंगे जो एमएसएमई को फैसिलिटेट करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, काफी अच्छी खबर है किसानों के लिए। बढ़ते हुए खबर की तरफ, अगली बड़ी खबर, केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, कोरोना वैक्सीन के लिए समिति का करे गठन। केंद्र ने राज्यों को कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जानकारी मिल रही है कि कोरोना ने राज्यों को कोरोना और टीकाकरण के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। जी हाँ, सबसे पहले कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि राज्य जिला स्तर पर समिति गठित करे। ये समिति कोरोना के टीकाकरण से संबंधित तैयारियां करेगी जिसके जरिए राज्यों की भौगोलिक स्थिति, शीत गृह श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये बातें तब की जब कोरोना वैक्सीन जो है सबको मुहैया कराई जाएगी। उसके लिए कोरोना वैक्सीन के लिए समितियों का गठन किया जा रहा है, उसके आदेश दे दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। ये तो थी बड़ी खबर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, गोवा सीएम बोले, भगवान भी मुख्यमंत्री अगर बन गए तब भी सभी को नौकरी, सरकारी नौकरी मुहैया नहीं करवा पाएंगे या संभव ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, आप देख सकते हैं। स्वयं पूर्ण मित्र पोर्टल की शुरुआत पर उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी मुहैया करा पाना असंभव है। अगर भविष्य में भगवान मुख्यमंत्री बन जाए तो भी सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते हैं। आपको बता दें, गोवा में स्वयंपूर्ण मित्र गजेटेड ऑफिसर पंचायतों का दौरा करेंगे और साथ ही साथ योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। ये थी गोवा को लेकर के खबर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएसी रैंकिंग में से ये राज्य बने हैं सबसे सुशासित राज्य, यानी यूपी और बिहार की क्या है रैंकिंग। जी हाँ, सबसे बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को आखिरी स्थान दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों राज्यों को नेगेटिव अंक मिले हैं। उत्तर प्रदेश को 1.461, उड़ीसा को 1.201 और बिहार को 1.158 अंक दिया गया है। इसके अलावा छोटे राज्य की रैंकिंग में गोवा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश को शीर्ष पर रखा गया है, जबकि मणिपुर, दिल्ली, उत्तराखंड को नेगेटिव अंकों के साथ अंतिम स्थान दिया गया है। रैंकिंग के मुताबिक चंडीगढ़ को देश का सबसे शासित प्रदेश बताया गया है। इसके बाद पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली को स्थान दिया गया है। बता दें कि सुशासन का आकलन समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर किया गया है। तो देखा आपने कि बिहार, यूपी, दिल्ली ये सब कितना पीछे रह गए हैं शासन के मामले में, वहीं चंडीगढ़ सबसे आगे निकल गया है। आशा करते हैं कि जल्द ही यूपी, बिहार, दिल्ली भी आएंगे फर्स्ट स्थान पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज आप बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम विभाग का पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, बढ़ जाएगी भारी ठंड। जी हाँ, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ, यूपी के जिले नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में ठंड बढ़ सकती है।
पूरी संभावना है कि दीपावली छठ का त्योहार लोग स्वेटर पहनकर मनाएंगे। दीपावली 15 नवंबर और ठीक 7 दिन बाद छठ का त्योहार मनाया जाएगा। लखनऊ में तापमान की गिरावट से सभी चौंक रहे हैं। काफी वर्षों बाद सर्दी के मौसम में नवंबर माह में ठंड की शुरुआत हुई है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि जबकि रात में पारा कम दर्ज हो रहा है, इससे सुबह व रात की ठंड बढ़ रही है। विंड पैटर्न भी उत्तर पश्चिम बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी की 7 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी की 7 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। मल्हानी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के समर्थन में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के सिकहारा में अपनी रैली किया। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। बढ़ते हैं अगली खबर। इसी के साथ बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि सब्सक्रिप्शन के रुपए नहीं पड़ते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो अच्छा ही करिए। जी हाँ, डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक टू यू इन अनदर वे। डेफिनेटली अच्छाई अगर करेंगे तो अच्छाई आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके। और हम आपके लिए लेके आते हैं सभी चुनिंदा खबरें। कोई भी एक ऐसी न्यूज नहीं छोड़ते हैं जो आपके लिए जरूरी है और वो हमसे छूट जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।